राजकन्या को देखकर राजपुरोहित ने सोचा मेरा विवाह हो जाए, जैसे देवर्षि नारद ने विचार कर लिया था कि इस कन्या से तो मेरा विवाह हो जाए। गए भगवान से कहा मेरा जिसमें भला हो ऐसा मेरा मुख बना दो, उनको बंदर का मुख दे दिया। इसके लिए क्या करा भगवान ने, तुरंत जो इसने विचार करा तो राजा ने पूछा बताओ ना मेरी बेटी का भाग्य क्या है। बार बार राजा पूछ रहा है, इसने भाग्य पढ़ लिया था कि बड़ी सुलक्षण है, बड़ी अच्छी है, बड़ा प्रबल भाग्य। इसने अब राजा को भाग्य बताना प्रारंभ करा, तुम्हारी बेटी जिस लड़के के साथ ब्याहेगी उसका पूरा कुल डूब जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, और जो तुम अगर बेटी का कन्यादान करोगे तो तुम्हारा भी पूरा कुल डूब जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, पूरा कुल डूब जाएगा बर्बाद। राजा की आंखों में से जल बहने लगा, मेरी बेटी का भाग, ये मेरी बेटी का भाग, जहां शादी करेगी उसका पूरा कुल डूब जाएगा, पूरा कुल, और मैं कन्यादान करूंगा तो मेरा भी पूरा कुल डूब जाएगा, ये मेरी बेटी का भाग है, ये मेरी बेटी की किस्मत है, ये मेरी बेटी का भाग कैसा हो सकता है। रोने लगा राजा। कुल पुरोहित से पूछा गया आप बताओ मेरी बेटी के लिए फिर मुझे करना क्या पड़ेगा, मैं क्या करूं, इसका कोई हल निकालिए, इसका कोई उपाय बताइए। कहा इसका एक उपाय है, लकड़ी की एक पेटी बनाई जाए, लड़की को पूरा आभूषणों से सोना चांदी हीरा पन्ना माणिक मोती से उसको पूरा जेवरों से सुसज्जित किया जाए और लकड़ी की पेटी में इसको भरकर पानी में नदी में छोड़ दिया जाए। सुसज्जित कर आभूषणों से, देखिए जरा वो लड़की ने रोज शंकर भगवान का श्रृंगार करा था, तो आज पुरोहित ने कह दिया कि इस लड़की को सुसज्जित कर श्रृंगारित कर माणिक मोती सोना चांदी से अंबारी से सुसज्जित कर उस बेटी को सुसज्जित कर सोना चांदी माणिक मोती से उसको पूरा सजाकर लकड़ी की पेटी में उसको रखकर उसको पानी में बहा दिया जाए। महाराज मेरी एक ही तो बेटी है और मेरी एक ही बेटी और उस एक बेटी को मैं ऐसा कैसे कह सकता हूं, अब आगे तुम्हारी मर्जी है, भय दिखाया। भय बहुत भय दिखाया, बहुत भय। और फिर निवेदन है किसी से डरो ना डरो, शिव महापुराण की कथा कहती है कि किसी से डरो ना डरो, अपने माता पिता से नहीं डरना मत डरो, वेद पुराण शास्त्र से नहीं डरना मत डरो, गुरु से नहीं डरना मत डरो, संत साधु गुरुजन ब्राह्मण जन से नहीं डरना मत डरो, किसी से मत डरो तुम तो। पर शिव पुराण कहती है अपने कर्म से जरूर डरना, क्योंकि कर्म का भोग तो अच्छे को भोगना पड़ता है, कर्म का भोग तो भोगना पड़ता ही है, कर्म से जरूर डरना, अपने कर्म का भोग भोगना पड़ेगा, वो कोई दूसरा नहीं भोग सकता, स्वयं को भोगना है, स्वयं को